आगे बढ़ेंगे गंगापुर सिटी से। बड़ी खबर है, गंगापुर सिटी में रोकी गई भाजपा की राजस्थान परिवर्तन संकल्प यात्रा। पुलिस और प्रशासन ने रुकवाया परिवर्तन संकल्प यात्रा। गंगापुर शहर से होकर नहीं निकलने दिया जा रहा है परिवर्तन यात्रा के रथ को। गंगापुर बाईपास पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। स्थानीय प्रशासन और सरकार के खिलाफ की जा रही है नारेबाजी। बहरहाल प्राथमिक रूप से अनुमति को लेकर बताया जा रहा है विवाद, और चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। कल ही हरी झंडी दिखाई थी, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे सवाईमाधोपुर की धरा से, और अभी सूचना मिल रही है कि गंगापुर सिटी में यात्रा को रोका गया है। हमारे साथ सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, जानकारी दीजिएगा क्या वजह रही गंगापुर सिटी में जब बीजेपी की संकल्प यात्रा, जिसका प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा था, उसे रोकना पड़ा है। का बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, और कल जो रणथंभौर की धरा से, त्रिनेत्र की धरा से जिसकी शुरुआत हुई थी, रात्रि विश्राम इसका गंगापुर सिटी में हुआ, और आज सुबह जैसे ही रवाना अपने यात्रा जो आगे के लिए रवाना हुई, तो गंगापुर बाईपास पर जब इसने गंगापुर शहर में प्रवेश करना चाहा, चूंकि परिवर्तन रथों को गंगापुर शहर में होकर ले जाया जा रहा था जो इसका मुख्य मार्ग है वहां से, तो पुलिस और प्रशासन है उसने जो है यात्रा को बाईपास पर ही रोक दिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थानीय शासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है यात्रा के रूट को लेकर, और इसलिए जो है यात्रा को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं साथ में, वो कार्यकर्ता हैं साथ में, उनका कहना है कि यात्रा कल शुरू हुई है। प्रथम दृष्टया तो जो है एक तरह से जब पूरे राज्य में यात्रा शुरू हो रही है, तो राज्य स्तर पर ही इसका जो भी है एक तरह से व्यवस्थाएं की गई है, उसके बावजूद भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जिला कलेक्टर और जो SP है उन्होंने अनुमति दी है। उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन जो है स्थानीय राजनेताओं के और सरकार के दबाव में जो है बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है उसको शहर में होके नहीं जाने देने चाहता है, और उनका कहना है कि जो बीजेपी की यात्रा में, परिवर्तन यात्रा में जो हुजूम उमड़ रहा है, तो उसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन जो है नहीं अंदर जाने देना चाहता है। तो हालांकि बीजेपी के नेताओं के आरोप है कि वो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके कहने से प्रशासन काम कर रहा है। बहरहाल जो है काफी धक्का मुक्की गहमा गहमी जो है प्रशासन, पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हो रही है। बाईपास पर जो है धरने पर बैठ गए हैं बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी हैं जो जिला प्रभारी हैं, और एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नारायण मीणा वो हैं, जितेंद्र गोठवाल हैं, मान सिंह गुर्जर जो पूर्व विधायक वो हैं, तो इन तमाम जो दिग्गज नेता साथ में हैं वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की की भी जो है एक बार बानगी सामने आई थी, थोड़ा सा एक दृश्य भी सामने आया था जो पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता में धक्का मुक्की। बहरहाल जो है स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं, सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरी हैं, और जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उनके बीच वार्ता चल रही है। गतिरोध अभी कायम है, और इसी यात्रा का जो कारवा है उसको लेकर काफी बहुत बड़ा विशाल जो है लंबा जाम जो है बाईपास पर लग चुका है, और जो है आसपास के क्षेत्र के जो भी भाजपा नेता कार्यकर्ता सुन रहे हैं मौके पर पहुंच रहे हैं। संदीप, आपका मैसेज जुड़ने के लिए जानकारी।